सोचा पहले से मैं वीडियो बना दूं ताकि आप लोग को अलर्ट रहें और आपको पता चल जाए कि आप इस तरह से आप बचाएंगे। आप देख सकते हैं केबल, ये वाली इस तरह की हमें केबल लगानी होती है। जैसे कभी कभी मैं भी हाथ लगाता था तो करंट लग जाता था। ये वाली आपको खाली मिल जाएगी, या तो आप खाली कर लीजिएगा, घर में मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने बांधा है इसको, और इधर भी बांधा मैंने, तीन तरफ से इसको बांधा है यहाँ से। और देखिए ये पूरा वहाँ से शुरू किया मैंने और इधर से लाके पूरा इसको कवर कर दिया। और करीबन 2-3 साल से मैं इसी तरह से इसको कवर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सलमान, फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि विंटर में हम केज में बल्ब लगाते हैं, 100 वाट का बल्ब जो गर्माई के लिए लगाते हैं केज में, बजीस को गर्माई मिले और टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। तो उससे लगाने से पहले हमें केज की सेफ्टी भी करनी होगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का डर रहता है अगर हम केबल लगाते हैं, केबल केज में लगाते हैं और उसमें बल्ब लगाते हैं जलाने के लिए। तो बजीस पैरट को आदत होती है कि केबल को काटने की, उन्हें खाने की आदत होती है, कुतरने की आदत होती है, क्योंकि उससे जब वो तार को काट देते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, केज में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और करंट आ जाता है। और इससे बजीस को ख़तरा भी है, उनकी जान को भी ख़तरा है और आपको भी ख़तरा है। अगर आपका फुल्ली केज आयरन का है तो आपको भी ख़तरा है कि आपको बिजली का झटका लग सकता है, करंट लग सकता है। और अगर ऐसा है, आपने केज में इस तरह से आपने ये लगाया है, अगर बल्ब लगाया, आपने लगा चुके हैं बल्ब, तो आपको ये करना होगा कि केज को हाथ लगाने से पहले आपको बल्ब बंद करना होगा, फिर आप केज पे हाथ लगाएं। चलिए दोस्तों, अब एक और मैं चीज़ दिखाऊंगा कि मैंने इस बड़े वाले केज को आज कवर्ड किया है विंटर से बचाने के लिए, तो किस तरह से मैं कवर्ड करता हूँ वो भी मैं दिखाऊंगा। चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक पर। तो दोस्तों, एक केज है आपका आयरन का, फुल आयरन का केज है, कि लकड़ी के फ्रेम में भी होता है और उसके अलावा हम फुल आयरन का केज भी बनवाते हैं। तो फुल आयरन का केज में जैसे जाहिर सी बात है कि सर्दियां हैं तो हमें बल्ब भी लगाना है और गर्माई के लिए, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल में रहे और बजीस को सर्दी ना लगे और ठंड से बचे रहें, तो उसकी वजह से हम बल्ब लगाते हैं। तो और केबल हमें फिर केज के अंदर डालनी होती है, क्योंकि केज के अंदर ही लगाते हैं बल्ब को। बहुत से होते हैं कि बाहर से भी बल्ब लगाते हैं, तो उससे कोई परेशानी नहीं है अगर बाहर से बल्ब लगा रहे हैं आप। अगर केज के अंदर बल्ब लगा रहे हैं, जैसे कि ये वाला मैंने बल्ब लगाया है, तो आप देख सकते हैं ये तो LED बल्ब लगाया, अभी इतनी सर्दी नहीं है यहाँ पर, तो इसके बाद मैं लगाऊंगा। तो सोचा पहले से मैं वीडियो बना दूं ताकि आप लोग को अलर्ट रहें और आपको पता चल जाए कि आप इस किस तरह से आप बचाएंगे। तो फिर हम जैसे कि हम लगाएंगे इस केबल में, ये आप देख सकते हैं केबल, ये वाली इस तरह की हमें केबल लगानी होती है, इतनी पतली केबल लगती है बल्ब लगाने के लिए, ठीक है। तो ये वाली जो केबल है, आप ये इस तरह से, ये बल्ब इसके नीचे आ रहा है, ये वाला आप देख सकते हैं। तो ये मैंने बचाया किससे, आप देख सकते हैं ये जो रील आती है ना, ये आपको लगानी होगी केबल के अंदर, ये रील लगानी होगी, क्योंकि आप वो देख, ये दिखाता हूँ आपको कि मैंने पहले बहुत बार बचाया इसको, लेकिन नहीं बचता था, ये तार को काट देते और केज के अंदर करंट आ जाता था बिजली का, और कभी कभी मैं भी हाथ लगाता था तो करंट लग जाता था। तो इस तरह से मैंने इसको बचाया, ये आप देख सकते हैं ये रील, ये जो डोरी वाली रील होती है, तो इस पर ये इनकी चोंच नहीं जा पाती, ये काट नहीं पाते, और तार में ऊपर से इसको खींच लेता हूँ और फिर ये लगा रहता है। तो यही एक इलाज मिला मुझे ये इससे बचाने का बल्ब को, और शॉर्ट सर्किट फिर जब से नहीं हुआ, ना इन्होंने काटा फिर इसको। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये डोरी कौन सी होती है, ये रील, ये जो आप देख सकते हैं ये टेलर की जो कपड़े सीने वाली जो रील होती है डोरे की, ये आप देख सकते हैं। ये वाली आपको खाली मिल जाएगी, या तो आप खाली कर लीजिएगा, घर में मिल जाएगी, या किसी टेलर से आप खाली ले लीजिएगा। तो ये वाली आप केबल में पिना दें, टाइट करके लगा दें तार को, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, बजीस पैरट बिल्कुल भी इसको नहीं काट पाएंगे, ना तार तक पहुँच पाएंगे, और केज आपका बचा रहेगा शॉर्ट सर्किट से और कटने से। तो नुकसान होने से ये आपको बल्ब लगाने से पहले आपको इस तरह से सेफ्टी करनी होगी, क्योंकि दोनों चीज़ों का खतरा है, इनको भी और हमें भी। और नुकसान भी होता है कि बार बार वो केबल काट देते हैं, फिर आपको बदलनी होगी, फिर आप बदलेंगे केज में से, बार बार केबल को निकालेंगे, बल्ब निकालेंगे, फिर उसको दोबारा लगाएंगे। तो एक बार ही आप इसका इलाज कर लीजिए, और पहले लगाने से पहले आप इस तरह से इसको लगा लीजिए केबल को। तो अब दूसरी चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने कवर्ड किया है आज।
ये आप देख सकते हैं, ये मैंने प्लास्टिक लगा दीजिए, जो छोटा वाला केस था वो मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये देखिए आज इस तरह से मैंने लगाया और यहाँ पे मैंने बांधा है इसको, और इधर भी बांधा है मैंने, तीन तरफ से इसको बांधा है यहाँ से, और ये आप देख सकते हैं, और टाइट कर दिया बिल्कुल। और तो रात में मैं कैसे कवर देता हूँ इसको, ये दिखाता हूँ, ये ले इस तरह से, ये वाला पूरा कवर्ड हो गया, तो ये आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा वहाँ से शुरू किया मैंने और इधर से लाके पूरा इसको कवर्ड कर दिया, ठीक है। तो बस इसमें से अब बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी, और पीछे से ये खुला हुआ है दीवार के, जो पीछे दीवार है उसके पीछे ये पूरा खुला हुआ है, क्योंकि वेंटिलेशन भी ज़रूरी है, और इधर से थोड़ी बहुत हवा जाएगी और उधर से निकल जाएगी, और बस ज़्यादा ठंडी हवा इनको नहीं लगेगी। और जब मैं बल्ब लगाऊंगा तो उससे ये कि थोड़ा शाम में बल्ब जला दूंगा और सोने से पहले बल्ब बंद कर दूंगा। ओके, आपको भी रात को सोने से पहले बल्ब बंद करना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब हम कवर्ड कर देते हैं, और एयर प्रेशर बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल हवा नहीं जाती, और उसकी जो बल्ब की जो रोशनी होती है वो उसके अंदर ऑक्सीजन ख़त्म कर देती है वो, क्योंकि बल्ब हमें बंद करना पड़ेगा रात को। और ज़रूरत पड़ने पर मैं जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो उसके ऊपर मैं एक और चीज़ डाल देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक ब्लैंकेट इसके ऊपर डाल दिया है, स्केच के ऊपर, और करीबन 2-3 साल से मैं इसी तरह से इसको कवर्ड करता हूँ। कोई नुकसान नहीं होता बर्ड्स को, ना बीमार होते हैं कोई भी, ना तो इन्हें हवा लगती है, ना ठंड लगती है, ना बीमार होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर्दियों में, बिल्कुल फिट फाट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो बस ठंडी हवा से बचाना है, इसी तरह से आपको भी इसी तरह से कवर्ड करना होगा और बचाना होगा अपने बर्ड्स को। और तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने बल्ब जला दिया है केज में, और जब ठंड ज़्यादा होगी तो मैं 100 वाट वाला बल्ब भी लगा दूंगा, लेकिन अभी इस वक्त इसी से काम चल रहा है। तो ये देखिए पूरे केज में ये रोशनी जाती है, और ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, तो सब न्यू व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो बराबर में बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।